दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। और देखिए यहाँ पर ये डीसीएम जो है, आपको लग रहा होगा देखने में कि साधारण तरीके से ये यहाँ पर घुस गई, लेकिन इसमें अंदर नीचे से कुछ भी नहीं बचा है। देखिए इसका इंजन यहाँ ये पड़ा हुआ है। पहले मैं आपको इंजन ही दिखा देता हूँ इसका, और फिर दिखाऊँगा आपको इसमें क्या क्या नुकसान हुआ है। और इसके जो आगे के टायर हैं और पीछे के टायर दोनों निकल गए हैं। और मैं जरा पीछे देख के बोलूँ कहीं मुझे को कोई ठोंक दे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और आपको बताएंगे ये हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या वजह रही इसकी। देखिए इसका इंजन कहाँ पे पड़ा हुआ है, टायरों के नीचे दबा हुआ है। और इस गाड़ी को एक गाड़ी क्रेन जो है वो नहीं निकाल पाएगी, बल्कि दो क्रेनें लगेंगी तब ये गाड़ी बाहर निकलेगी। और देखिए क्या हालत हुई है इसकी। चेला गाड़ी के संग में था, देखो कितना छोटा था चेला है गाड़ी के संग में। तो ये शायद कोई ड्राइवर का कंडक्टर हो या कोई भी हो सकता है, पता नहीं कौन है, लड़का छोटा सा। और देखिए पूरा इंजन मैं गियर बक्से के जो है बाहर पड़ा हुआ है। और इसकी देखिए क्या हालत हो रही है, इसके जितने भी छोटे मोटे इसमें आइटम लगे होते हैं वो सब झड़ गए हैं टोटल। और आगे के भी देखिए टायर निकल गए हैं, मैं कमानी के बाहर आ गए हैं। और ड्राइवर साहब से अभी हम बात करेंगे, ड्राइवर साहब सामने ही बैठे हुए हैं, वो देखिए आगे सेक रहे हैं क्योंकि अभी कोहरा पड़ रहा है और ठंड भी काफ़ी भीषण हो रही है। तो इस वजह से जो है हम पहले गाड़ी की कंडीशन आपको दिखा देते हैं, उसके बाद में ड्राइवर साहब से बात करेंगे और ये हादसा कैसे हुआ उसकी पूरी जानकारी जो है ड्राइवर साहब से लेंगे। पहले आप गाड़ी देख लीजिए किस कंडीशन में खड़ी हुई है। और सामने फोर लेन रोड है, बहुत बढ़िया रोड बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्यों ये हादसा हो गया, उसकी जानकारी तो वो तो ड्राइवर साहब ही देंगे। तो बने रहिए वीडियो क्लास तक और पूरी सब कुछ डिटेल से आपको समझाएँगे। काफ़ी ख़तरनाक हादसा हुआ है, बस गनीमत की बात ये रही कि इसमें ड्राइवर साहब के चोट पेट नहीं लगी है, ड्राइवर साहब जो हैं वो सही सलामत हैं, साइड में बैठे हुए हैं, आगे सेक रहे हैं, आपने अभी देखा। तो मैं इस तरीके से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि गाड़ी किस कंडीशन में खड़ी है। देखिए ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं, अभी इनसे बात करते हैं चल के और फिर आपको बताते हैं कि गाड़ी जो है गाड़ी में क्या नुकसान हुआ है। तो हमने ड्राइवर साहब से बात करी अभी, तो उन्होंने हमें बताया कि ये बीच में इनकी गाड़ी चल रही थी, इनके पीछे भी गाड़ी थी, आगे भी गाड़ी थी, ये बैठे हैं ड्राइवर साहब, और पीछे वाली गाड़ी ने इनके ठोकर मारी तो इनकी गाड़ी आगे वाली गाड़ी में घुस गई और वो गाड़ी में उस आगे वाली गाड़ी में इनकी गाड़ी फंस गई और वो इन्हें खींचता हुआ ले करके चला गया। उसके बाद रात के अंधेरे में गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ी या कहाँ चढ़ी उसके बारे में ड्राइवर साहब को पता नहीं है। और देखिए ये पेड़ से टिकी हुई है, अगर ये पेड़ ना होता तो ये गाड़ी पलट जाती। और इन्हें खींचता हुआ ले गया आगे का ड्राइवर, आगे वाली गाड़ी इन्हें खींचती हुई लेकर के चली गई और जब गाड़ी छूटी है तो गाड़ी यहाँ पर आकर के घुस गई। तो देखिए इसके आगे के भी टायर निकले हुए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पीछे से ठोका ड्राइवर साहब को, फिर आगे ये लड़का दूसरी गाड़ी में और आगे वाली गाड़ी जो थी इन्हें खींचती हुई लेकर के चली गई। ये देखिए पेड़ से टिकी हुई ये गाड़ी है? अगर ये पेड़ ना होता तो ये गाड़ी जो थी नीचे गिर जाती और ड्राइवर साहब के और ज़्यादा चोट पेड़ लगने का खतरा बढ़ जाता। और अगर ये गाड़ी पलटती तो, लेकिन इस पेड़ ने इस गाड़ी को रोक रखा है। तो पहले जो है ये गाड़ी अब खाली होगी, उसके बाद ही इसे निकाला जाएगा। अगर हमें ये मिलती ये गाड़ी दोबारा तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट आपको दिखाएंगे। ये देखिए इंजन टायरों के नीचे दबा हुआ है। तो हमें जैसे ही सूचना मिली वैसे ही हम तुरंत मौके पे पहुँचे और हमने देखा कि काफ़ी भीषण हादसा जो हुआ है। बस नीचे काफ़ी जो है नुकसान हो गया है, ऊपर से तो गाड़ी सेफ है लेकिन नीचे काफ़ी तगड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि आगे के टायर निकले, पीछे के टायर, मेन चीज़ इंजन निकल गया गाड़ी का। ये चीज़ जो है ड्राइवर साहब को भी समझ में नहीं आई और हमें भी नहीं समझ में आई कि आखिर इंजन निकला तो निकला कैसे। मेरे ख्याल से इसकी शाफ्ट जो थी वो टूट गई और शाफ्ट जो है रोड में कहीं फंसी, उसी की वजह से पीछे के भी टायर निकले और इंजन भी इसका उखड़ के बाहर निकली आया। और डिवाइडर में लड़ी ये गाड़ी बहुत कस के, बीचों बीच में डिवाइडर था तो उसी पर साइड चढ़ गई, उसी की वजह से ये गाड़ी जो है यहाँ पर आकर के गिरी। तो आप देख सकते हैं एक्सीडेंट होने के कितने कारण होते हैं। और ज़रूरी नहीं कि ड्राइवर शराब के नशे में हो या नींद के झोंके में हो, ड्राइवर पीछे से आप बताइए इन्हें ठोंक दिया करके, तो आप समझ सकते हैं इसमें किसकी गलती है। तो हादसे जो हैं कुछ ना कुछ कारणों से होते ही रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों हमारा एक और नया चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उसे भी सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए। हम मिलते हैं किसी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और देखिए किस कंडीशन में गाड़ी खड़ी है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और पीछे के टायर देखिए कहाँ पहुँच गए, टायर आगे थे लेकिन कमानी टूटी तो टायर भी बिल्कुल पीछे चले गए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।